आप में से काफी सारे दोस्तों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि कई बार हम किसी मकान में बिजली के लिए जाते हैं, बिजली चेक करने के लिए, लाइटिंग वाइटिंग चेक करने के लिए, तो वहां पे एमसीबी वगैरह सारी चीजें ठीक होती है, फिर भी कई सॉकेटों में करंट आ रहा होता है और कई कई सॉकेट के अंदर तीनों पॉइंट में करंट आ रहा होता है, मतलब कि जो तीनों पॉइंट होते हैं उसमें भी करंट आ रहा होता है, इसका क्या मतलब है? जबकि हम एमसीबी के पास में सारी चीजें चेक करते हैं, न्यूट्रल फेस वगैरह सारी चीजें बराबर है, फिर भी ये समस्या आती है और कई बार हम काफी देर तक फंस जाते हैं इस काम में। अब हो सकता है कि आप में से काफी सारे दोस्तों को इसके बारे में पता हो, फिर भी वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन कई सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपए तक का अमेजोन कैश कमा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो है, इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखे, वहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए, सारी चीजें डिटेल में दे रखी कि किस तरह से आप 5,000 रुपए कमा सकते हो आने वाले लेटेस्ट वीडियो के जरिए। इस वीडियो के जरिए तो कमाएंगे कमाएंगे, आने वाले लेटेस्ट वीडियो के जरिए भी। तो दोस्तों आप में से काफी सारे दोस्तों ने इस सवाल का जवाब तो ढूंढ ही लिया होगा कि सिंपल सी बात है कि अगर न्यूट्रल कहीं से कट हो गया होगा तो दोनों तीनों पॉइंट में फेस आएगा। देखिए दोनों पॉइंट में फेस आना तो ठीक है, लेकिन तीसरे पॉइंट में फेस क्यों आ रहा है, उसका क्या कारण है, तो ये भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर न्यूट्रल कहीं से कट होगा तो सॉकेट बोर्ड में दोनों पॉइंट पे आपको करंट मिलेगा टेस्टर से चेक करेंगे तो, और उसका एकमात्र कारण होता है कि आपका जो फेस है वो सीरीज के जरिए, ध्यान से सुनिए, सीरीज के जरिए मतलब कि किसी डिवाइस के जरिए फेस से न्यूट्रल में भी फेस जा रहा है, मतलब कि न्यूट्रल वायर में भी फेस जा रहा है, जिसके वजह से आपको टेस्टर में वहां पे चेक करने पे दोनों पॉइंट पे आपको फेस नजर आ रहा है, ये होता है इसका एक कारण। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पूरे मकान में न्यूट्रल चेक करना है कि न्यूट्रल कहां से कट हुआ है। देखिए आपने एमसीबी बॉक्स में चेक कर लिया, वहां पे न्यूट्रल बिल्कुल बराबर है, वायरिंग बराबर है, जली भी नहीं है, कटी भी नहीं है, ना हटी हुई है, बिल्कुल ओके है, और वहां पे न्यूट्रल प्रॉपर तरीके से आ रहा है, जब आप सीरीज बोर्ड के जरिए या एक बल्ब वगैरह लेकर के या किसी चीज को लेकर के चेक कर रहे हैं तो वहां पे न्यूट्रल और फेस बराबर आ रहा है, फिर भी जो है मकान के अंदर किसी कमरे में लाइट बराबर जल रही है और किसी कमरे में लाइट नहीं जल रही, तो उसकी एक ही समस्या होती है कि आपने न्यूट्रल को सही ढंग से चेक नहीं किया। देखिए जो न्यूट्रल जो होता है वो सिर्फ एमसीबी में ही मेन न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल जो है वो पूरे कमरे के अंदर एक जगह पे जॉइंट होता है, वो जॉइंट होता है जहां पे मेन पंखा लगा हुआ होता है, वो होता है उस कमरे का मेन जंक्शन, वहां से न्यूट्रल की वायरों को डिवाइड किया जाता है। वहां अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां पे न्यूट्रल की वायरों का जो है वो जॉइंट मिलेगा आपको, वो जॉइंट के पास में ही अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उस जॉइंट के ऊपर लोड पड़ता है, और उस जॉइंट के ऊपर जब लोड पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरे मकान के अंदर जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल के ऊपर ही सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, अगर किसी मकान में थ्री फेज का कनेक्शन है तब भी न्यूट्रल के ऊपर ही जोर पड़ेगा, और न्यूट्रल के जॉइंटों के ऊपर जोर पड़ता है तब वो जॉइंट जो है जल जाता है, और कई बार कुछ वायरें जो है हट जाती है, कनेक्शन उसका छूट जाता है, जिसके वजह से ये समस्या आती है। अब आजकल क्या होता है कि जो मकान जो बनते हैं वो फैंसी मकान बनते हैं, क्योंकि आजकल तो फैशन की दुनिया है तो फैंसी मकान बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो बिजली का काम करते हैं वहाँ पे मेन जंक्शन जरूर देते हैं, क्योंकि वायरों को हमें वहां से डिवाइड करना होता है, कमरे में उतारनी होती है, क्योंकि एक कमरे में कई बार 3-4 बोर्ड होते हैं, बेड के पास में भी बोर्ड लगा हुआ होता है, हमें बाथरूम में भी सप्लाई भेजनी होती है, टीवी के लिए कनेक्शन अलग होता है, और पूरे कमरे के लिए एक स्विच बोर्ड अलग होता है, तो उसके लिए हमें जो है वायरों को डिवाइड करना होता है, और वो सारी वायरें आरसीसी के पास से ही डिवाइड होती है, मतलब की मेन जंक्शन से, और वहां से वायरें जब डिवाइड होती है तो वहां पे ज्वाइंट करना पड़ता है हमें न्यूट्रल का, फेस का ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूट्रल का ज्वाइंट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब भी आपके साथ में ये समस्या आए कि आपने एमसीबी बॉक्स में चेक कर लिया है, हमें न्यूट्रल फेस बराबर मिल रहा है, फिर भी किसी कमरे की लाइट जो है वो चली गई है और वहां पे न्यूट्रल नहीं आ रहा, लेकिन दोनों पॉइंट में सॉकेट के अंदर फेस दिखा रहा है, तो यही समस्या है कि आपका न्यूट्रल जो है वो मेन जंक्शन वहां से ही कोई ना कोई दिक्कत है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। अब समस्या दूसरी कि आपकी जो तीसरी पॉइंट है जिसे हम नेचुरल अर्थिंग भी बोलते हैं, उसमें क्यों फेस आ रहा है? उसमें फेस इसलिए आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा डिवाइस है जो बॉडी शॉर्ट हो गया है। अब बॉडी शॉर्ट कौन सा डिवाइस होता है? देखिए माइक्रोवेव भी बॉडी शॉर्ट हो जाता है, फ्रिज भी बॉडी शॉर्ट हो जाता है, हो सकता है कि पंखा भी बॉडी शॉर्ट हो गया हो, इसके वजह से भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार जो है पंखा जहां पे लगा हुआ होता है सीलिंग में के अंदर हमें अर्थिंग वायर जोड़नी पड़ती है, और कई लोग नहीं जोड़ते, लेकिन कई लोग जोड़ते हैं, उसके वजह से भी ये दिक्कत आती है। और मैं आपको बता दूं ज्यादातर लोग वहां पे हुक के पास में अर्थिंग वायर नहीं जोड़ते, लेकिन फिर भी जो आपका अप्लायंसेस है उसी अप्लायंसेस में
कहीं ना कहीं पे बॉडी शॉर्ट हो रहा है, करंट उसकी बॉडी में आ रहा है और बॉडी के साथ में ही अर्थिंग जुड़ी हुई होती है, इसीलिए आपको तीनों पॉइंट में फेज दिखाता है। अब उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपको अप्लायंसेस चेक करने आता है तो आप कस्टमर से बोल सकते हैं अप्लायंसेस चेक करिए, अगर कस्टमर कहता है तो अप्लायंसेस चेक करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। अब यहीं पे आपको अर्थिंग के लिए दूसरी समस्या और मिलेगी, जब आप तीनों पॉइंट में चेक कर रहे हैं, न्यूट्रल कट हो गया, आपको तीनों पॉइंट में फेज नजर आ रहा है, मेन अर्थिंग में क्यों आ रहा है, तो उसका कारण तो मैंने आपको बता दिया कि कोई ना कोई अप्लायंसेस बॉडी शॉर्ट हो गया है, इसके वजह से आपको वहां पे फेस देखने को मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस अर्थिंग की वायर में अर्थिंग ही नहीं दे रखी होती है, अर्थिंग मतलब जो जमीन की अर्थिंग होती है, कई बार उसमें अर्थिंग ही नहीं दे रखी होती, इसके वजह से भी आपको जो है वहां पे फेस देखने को मिलेगा। और वो फेस कहाँ से आएगा, वो फ्रिज में से, माइक्रोवेव में से, जो भी अप्लायंसेस लगता है, गीजर भी हो गया, गीजर के जरिए भी वहां पे आपको फेस देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे अर्थिंग की वायर जो है अप्लायंसेस के बॉडी के साथ में जुड़ी हुई होती है। अब देखिए अर्थिंग की वायर में अगर अर्थिंग ही नहीं दे रखी जमीन की, तो उसमें आपको फेस दिखाएगा ही दिखाएगा, अगर आप चाहे आपके कमरे में लाइट आ रही हो या ना आ रही हो, फिर भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको वहां पे अर्थिंग में करंट दिखाएगा ही दिखाएगा, अगर वहां पे अर्थिंग नहीं दे रखी है तो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और साथ ही दबाइए घंटी का बटन, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप वीडियो देख सको और कुछ सीख सको। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, जय हिंद।